बादल सागर छे हम सावन सापर से हम सूरत सा चमके हम स्कूल चले हम स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपका पहला यूनिट है हिंदी का चमक रहे हैं तेज तुम्हारा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पहला यूनिट चमक रहा है तेज तुम्हारा। तो चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन करके चांदनी धवल। ठीक है, तो चमक रहा है तेज तुम्हारा, ये बच्चा इस चांद से बता रहा है कि जो चांद है तो तुम तेज बहुत चमकते हो, मतलब तुम्हारी किरणें बहुत तेज चमकती हैं। बनकर लाल सूर्यमंडल, मतलब क्या है, सूर्यमंडल होता है एक सूरज का घेरा, मतलब एक सर्कल शेप में जो होता है, तो आप क्या है कि सर्कल शेप में बनकर बहुत चमक रहे हो। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, तो कीर्ति होती है यश। ठीक है, कि तुम्हारी जो कीर्ति है, तुम्हारा यश जो है वो फैल रहा है बनकर के चांद धवल की। एक चांद जैसे बनता है तो चांद बनकर जैसे एक कीर्ति फैल रही है तुम्हारी। ठीक है, चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमल। तो तेरे तारे लाखों बनकर चमक रहे हैं, जब हम आसमान में देखते हैं तो लाखों तारे हमारे बने होते हैं, ठीक है, बनकर चमकते हैं। तो वो बता रहा है श्रृंगार अमल, श्रृंगार होता है आपका सजावट। ठीक है, तो श्रृंगार को हम सजावट कहते हैं। और क्या है कि चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमल, तो आपके लाखों तारे जो हैं वो आसमान में चमक रहे हैं और उसकी आप उससे आपकी क्या है, उससे आपकी एक सजावट भी है। ठीक है, चमक रही है किरण तुम्हारी, कि आपकी किरणें भी बहुत चमक रही हैं। जब आप अपना मुंह दिखाते हो, जब आप सुबह निकलते हो तो आपकी किरणें बहुत चमकती हैं। ठीक है, और चमक रहे हैं सब जल थल, और जल होता है पानी और थल होता है आपका धरती। ठीक है, आकाश जिसको हम कहते हैं, जल हो गया आपका, आकाश भी कह सकते हैं या पानी। और चमक रहे हैं सब जल थल, कि जहाँ पे भी आपकी किरणें पड़ रही हैं वो धरती भी चमक रही है, वो आपका जल भी चमक रहा है, वो हर एक चीज़ जो है वो चमक रही है जहाँ पे भी आपकी किरणें पड़ रही हैं। हे जग के प्रकाश के स्वामी, तो प्रकाश होता है रोशनी और स्वामी होती है मतलब जो बनाने वाला होता है, क्रिएचर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, कि हे जग, जग होता है संसार दुनिया की, हे जग के प्रकाश के स्वामी, कि जग जिस संसार के अंदर तुमने ये प्रकाश बनाया है उसके स्वामी, उसके रचयिता, जब सब जग दमक देना, कि जैसे जितना भी ये जग है, इस सारे जग को जो है उसको रोशनी देना, उसको रोशनी देना, मतलब मेरे भी जीवन के पथ पर। और अगर इस जग में अगर रोशनी दोगे तो मेरे जीवन के पथ, मेरे जीवन का जो रास्ता है उस रास्ते पर भी आप मुझे रोशनी देना, मुझे रास्ता दिखाना, और मेरा जो जीवन है वो भी प्रकाशित करना, उसके अंदर भी प्रकाश डालना, कुछ किरणें चमका देना, और इस किरणों मतलब है कि मेरे किस्मत को भी चमका देना, मेरी जैसे आप अपनी किरणों के साथ चमकाते हो। ठीक है, मतलब आप अपनी किरणों के साथ हर जगह चमकाते हो, पथ जल हर जगह चमकाते हो, तो वैसे ही मेरे किस्मतों को भी अपने किरणों की तरह चमका देना। तो ये आपकी जो कविता है, ये कविता सोहनलाल देवीदी ने लिखी है, चमक रहा है तेज तुम्हारा। तो जो मैंने आपको ये कविता पढ़ाई अभी, तो इसका मुझे प्रॉपर वे से क्या करना है, आपको होमवर्क लिखना है, और होमवर्क लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना, और अगर आपको समझ नहीं आई होगी तो मैं दोबारा से पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे इसके वर्ड मीनिंग। धन्यवाद।